सभी को मेरा नमस्कार दोस्तों। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था, ASLI कैसे काम करता है, तो आपके सामने अभी एक वीडियो रखूँगा मैं। आपको इस वीडियो में पता चलेगा कि ASLI कैसे क्या काम करता है। जैसा कि मैंने जो पिछले वीडियो उसमें बताया था, ये 14.4 मीटर जो है ये रेडियस है, 22.2 मीटर जो है ये इसका हाइट होता है, 51.2 डिग्री जो है इसका बूम एंगल है, 24.6 मीटर ये है बूम लेंथ। ये जो फॉल्स का सिंबल दिया हुआ है, ये फोर फॉल्स का है दोस्तों, जहाँ पे मैक्सिमम लिखा हुआ है 6.7 मैक्सिमम इसकी कैपेसिटी बनती है। एक्चुअल जो लिखा हुआ है देखना, वो 2 टन का है दोस्तों, और ये 30% पे उठा रही है। अभी इस वीडियो में आप देखना दोस्तों, जैसे जैसे जो लोड है, जैसे जैसे वो रेस्ट करेगा, तो यहाँ पर जो है एक्चुअल जो है दोस्तों, वो धीरे 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 घटेगा। ठीक है दोस्तों, अभी देखना इस वीडियो को आप ध्यान से देखिए। देखिए दोस्तों, धीरे 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 देखिए लोड जो है रेस्ट हो गया है। देखिए धीरे धीरे धीरे, देखिए दोस्तों धीरे धीरे लोड रेस्ट कर रहा है, धीरे धीरे लोड जो है रेस्ट हो रहा है, देख सकते हो। देखिए दोस्तों, देखिए दोस्तों, देखिए दोस्तों, ये देख सकते हैं आप, देखिए। एक और वीडियो रखना चाहूँगा आपके पास दोस्त। देखिए इस वीडियो में भी सेम जो लोड है वो रेस्ट करने के टाइम पे धीरे 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 डिक्रीज हो रहा है। देखिए दोस्तों, आप देख सकते हैं ये सैनिया क्रेन है, सात टन वाली। देखिए परसेंटेज भी धीरे धीरे घट रहा है दोस्तों, जो एक्चुअल लोड है वो भी धीरे धीरे घट रहा है। जब पूरी तरह से रेस्ट कर देगा, जो हुक है दोस्तों, जो वो पूरी तरह से लोअर कर देगा, डाउन कर देगा, तो पूरी तरह से लोड जो है यहाँ पे जीरो हो जाएगी दोस्तों। देखिए, देखिए दोस्तों, एक और वीडियो दिखाना चाहूँगा दोस्तों मैं, जो हाइड्रा होती है उसका लोड टेस्ट कैसे किया जाता है। अब देखिए दोस्तों, आप देख सक रहे हो यहाँ पे एंगल है 29 डिग्री, जो ड्यूटी है जो फॉल्स है वो फोर फॉल्स का है, रेडियस आप देख पा रहे हो 10.1 मीटर का है, लेंथ जो है वो 14.4 मीटर का है। एक्चुअल जो लोड है दोस्तों 1.4 टन है, और इसका SWL जो कैपेसिटी बन रही है दोस्तों इस रेडियस पे, वो है दोस्तों 2.3 टन। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे ये जो हाइड्रा है एक लोड उठा रहा है, और जैसा कि 2.3 के करीब हम जाते हैं तो कैसे ऑटो कट ऑफ होता है, अब देखिए दोस्तों। देखिए दोस्तों, देखिए, देखिए ये ब्लॉक उठा रहा है, ऑटो कट ऑफ हो चुका है दोस्तों। दोस्तों एक और एग्जांपल देना चाहूँगा, जो मैन लिफ्टर वगैरह होता है जिसे कि हम बूम लिफ्ट कहते हैं, तो इसका भी हम लोड टेस्ट करते हैं दोस्तों। एक्चुअली ये जो मैन लिफ्टर है, इसका जो SWL बनता है लगभग 200 kg, 210 के आसपास रहता है। तो यूँ मान के चलिए कि हम लोग तीन जो वर्कर्स होते हैं या फिर तीन स्टाफ होते हैं, तीन लोग होते हैं, हम उससे ज़्यादा नहीं चढ़ाते हैं, ठीक है, क्योंकि इसकी कैपेसिटी उतनी है 200 kg की। तो एवरेज हम क्या करते हैं, एक इंसान का जो वज़न होता है हम लगभग 60 के आसपास मान के चलते हैं, तो तीन हो गए तो 180, अब कुछ मीटर वगैरह रहेगा उसके पास में जो बकेट में, तो 200 हम मान के चलते हैं, ठीक है। अब देखें दोस्तों, ये तीन लोगों को चढ़ाकर लोड टेस्ट किया जा रहा है दोस्तों, ठीक है, देखिए आप। बस बस डाउन करो, अभी उठाओ, दबा, ओके। दोस्तों ये जो
दोस्तों ये जो मैन लिफ्टर है ये दोनों तरफ से फंक्शन करता है, एक बकेट के पास से करता है, एक ऑपरेटर के पास से करता है, ठीक है। तो दोनों तरफ से हमें फंक्शन करके देखना है, ठीक है। अभी वो बंदा वहाँ से फंक्शन कर रहा था ऑपरेटर के केबिन से, अभी बकेट से फंक्शनिंग करेगा, ठीक है दोस्तों। तो हमें ये ध्यान देना है कि 200 केजी के ऊपर जाने से कट ऑफ हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है दोस्तों। देखिए आप भी नीचे ले रहो, तुम अभी तुम बैठ जाओ। देखिए दोस्तों थोड़ा सा और लोड दे देंगे कट ऑफ होने के लिए। दोस्तों आप देख सकते हो, दबाओ बटन। देखिए दोस्तों देखिए मैं जा रहा है ना, देखिए आप देख सकते हो, देखिए ये जैसा कि लोड ओवरलोड हो गया है ना दोस्तों, तो इसका फंक्शन जो है लिमिट स्विच बंद कर देता है, ठीक है दोस्तों। तो मतलब ऑटो कट ऑफ हो जाता है, कुल मिला के चलता ही नहीं है, तो एक सेफ साइड में हम हो जाते हैं, इसलिए हमें ये करना ज़रूरी होता है थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन, ठीक है। अब याद रखिए दोस्तों, जब भी आप कभी मैन लिफ्टर में किसी वर्कर्स को चढ़ाएंगे तो उसमें ये जो सेफ्टी हारनेस है दोस्तों वो पहनाना बहुत ही ज़रूरी होता है। यहाँ पे ये जो रेलिंग के टाई है ना दोस्तों, जहाँ पे ये पकड़ा हुआ है ये भाई साहब ने, तो वहाँ पे हम सेफ्टी हारनेस के हुक को वहाँ पे हम एंकरिंग कर देंगे दोस्तों, ठीक है। उसके बाद अब कोशिश कीजिए दोस्तों, ये जो जाले रेलिंग लव जो लगा हुआ है दोस्तों, वहाँ पे ग्रीन नेट बांधने के लिए। एक्चुअली होता क्या है दोस्तों, कभी कभार ये लोग कुछ मटेरियल वगैरह लेके जाते हैं काम करने के लिए, चिपिंग के लिए या फिर जो भी टचअप के लिए, जो भी वगैरह वगैरह काम के लिए होता है दोस्तों, अगर हम लोग उसमें ग्रीन नेट नहीं बांधेंगे, ठीक है दोस्तों, तो हो सकता है जो मटेरियल होते हैं छोटे छोटे वो गिरने की संभावना होता है। तो कोशिश कीजिए उसमें मटेरियल ना गिरने के लिए कुछ ग्रीन नेट टाइप का बांध देने के लिए दोस्तों, ठीक है। और ये जो बकेट होता है दोस्तों, बकेट के आगे वाले हिस्से में SWL जो है दोस्तों हमें लिखा हुआ होना चाहिए, ठीक है। और तीन लोग से ज़्यादा ना चढ़े ये भी हमें मेंशन करनी होती है दोस्तों। और ऑपरेटर वाली जो केबिन होती है, ऑपरेटर के केबिन के केबिन के पास कंपिटेंसी सर्टिफिकेट हमें होना चाहिए, जो TPI हमने कर रखा है उसका जो फोटोकॉपी है दोस्तों वो भी होनी चाहिए, ठीक है। याद रखिए दोस्तों, जब ये मैन लिफ्टर चलता है रोड के पास, ठीक है, जो इसका इसके सेफ्टी के लिए हमें दो जो मार्शल्स होते हैं, बैंक्समैन होते हैं दोस्तों, वो रखना पड़ता है, एक आगे एक पीछे, ताकि जो व्हीकल्स आ रहे हैं वो उससे कोलिशन ना हो जाए, उसके टक्कर ना कर दें। इसलिए जो ट्रैफिक है उसे कंट्रोल करने के लिए हमें दो मार्शल्स रखे हुए होते हैं। देखिए इस यहाँ पे भी एक मार्शल रखे हुए हैं, जो ये ऑरेंज हेलमेट में है वो ट्रैफिक मार्शल है दोस्तों, ठीक है। और याद रखिए दोस्तों, जब ये इसमें जब ये फंक्शनिंग करता है इसमें साउंड आना चाहिए, ठीक है, ताकि ये पता चले, नॉलेज में आए कि हाँ यहाँ पे कुछ फंक्शन चल रहा है करके, ठीक है दोस्तों। दोस्तों आप इस वीडियो में देख सकते हो, ये जो बंदे लोग हैं ये ज़्यादा हाइट तक, आप इस वीडियो में देख सकते हो ये जो लोग हैं ज़्यादा हाइट तक नहीं गए हैं, ठीक है, बस लगभग एक मीटर के 1.5 मीटर के हाइट में गए हैं, ठीक है। तो यहाँ बेल्ट की ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, लेकिन जब हाइट में जाते हैं लोग तो वहाँ पे बेल्ट पहनना बहुत ही ज़रूरी होता है। कुछ लोग बोलते हैं हम बेल्ट नहीं पहनेंगे, रेलिंग लगा हुआ है, ठीक है, हम समझते हैं दोस्तों रेलिंग लगा हुआ है, लेकिन ये क्या करता है ना, जब बूम स्विंग करता है ना दोस्तों, जब घुमाता है ना तो क्या होती है, झटका लेता है, तो उसी झटके के कारण हो सकता है कोई अपना जो बैलेंस है ना दोस्तों वो बिगाड़ देगा। अगर वो बिगाड़ देगा तो सीधा डायरेक्टली वो नीचे आ जाएगा। तो कोशिश कीजिए किसी भी तरह से उसको बेल्ट पहनाने के लिए दोस्तों, ठीक है। एक और दूसरी बात बोलना चाहूँगा दोस्तों, अगर इनकेस ये जो मैन लिफ्टर है ये हमें रोड में काम कराना है, तो याद रखिए दोस्तों इसके चारों तरफ से हमें बैरिकेड कर देना चाहिए। क्यों बैरिकेड करना चाहिए, क्योंकि अगर रोड में हम काम कर रहे हैं दोस्तों तो गाड़ियां तो आएगी, बहुत सारे ट्रैफिक रहती है रोड में, तो कोई अगर सरफिरा आ जाएगा गाड़ी स्पीड में लेते हुए तो सीधा आके क्या करे, डायरेक्ट इसे इसको कोलिशन कर देगा, मतलब इसमें टक्कर दे देगा, तो क्या होगा, झटका बहुत ज़ोर से लगेगा, ऊपर में जो लोग काम कर रहे हैं वो लोग क्या करेंगे, सीधा नीचे आ जाएंगे और गाड़ी को भी हमारी डैमेज हो जाएगी दोस्तों। तो कोशिश कीजिए ये जो मैन लिफ्टर इसके चारों तरफ, ठीक है, चारों तरफ ना सही, जिस तरफ से गाड़ी आ रहा है उसके थोड़ा सा और आगे लेके 2 मीटर 1.5 मीटर के और थोड़ा सा आगे से लेकर हम बैरिकेड कर दें, ताकि जो गाड़ी आ रहा है दोस्तों वो अगर कोलिजन करेगा, अगर वो टक्कर मारेगा दोस्तों, तो हमारे जो बैरिकेड बोर्ड होती है दोस्तों सिर्फ बैरिकेड बोर्ड को लगेगा, क्योंकि बैरिकेड बोर्ड बहुत मजबूत होता है, उसको अगर बाइक तेज़ी से टक्कर मारेगा तो बाइक वाला गिर जाएगा, लेकिन बैरिकेड बोर्ड को उतने डैमेज नहीं होते हैं। अगर हमारे वही सेम, ये तो क्या होता है, फाइबर का बना होता है दोस्तों, अगर वही टक्कर आके सीधा फाइबर को मारेगा तो बहुत सारा नुकसान हो जाएगा गाड़ी का। तो कोशिश कीजिए ये सब जो सेफ्टी नॉर्म्स हैं थोड़ा सा साइड में आप लोग पालन कराने के लिए दोस्तों, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में।
जय हिंद, जय सुरक्षा दोस्तों।